दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। दोस्तों आप NCR में कार चलाते हैं या अन्य कोई वाहन चलाते हैं या आपके चिर परिचित वाहन चलाते हैं तो आप सावधान हो जाइए। यमुना एक्सप्रेस वे पर नए नियम लागू किए जा रहे हैं। यदि आपने बेतरतीब ढंग से चलाया वाहन तो आपका हो सकता है चालान और आपको उठाना पड़ सकता है जोखिम। क्या बनाया है यमुना विकास प्राधिकरण ने यमुना एक्सप्रेसवे पर नियम वाहन चालकों के लिए? कितने दिन यह रहेगा प्रभावी और किस तरह करें आप इससे बचाव? आइए देखें यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहन चलाने से पहले यह पूरी रिपोर्ट। यमुना एक्सप्रेसवे पर आप कुछ समय के लिए फर्राटा वाहन नहीं दौड़ा सकते। यमुना विकास प्राधिकरण ने फर्राटा वाहन दौड़ाने वालों पर लगाम लगाई है। जी हाँ, 25 दिसंबर से यमुना एक्सप्रेसवे पर आप तेज गति से वाहन नहीं चला सकते। यदि आपने वाहन चलाया तो आपका ऑनलाइन जुर्माना हो सकता है, आपका चालान होगा और आपको जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। ठंड के मौसम में कोहरा पड़ता है और कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो जाती है। लोग वाहन तेज गति से दौड़ाते हैं और दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना से आपको बचाने के लिए ही यमुना विकास प्राधिकरण ने यह नियम लागू किया है। 15 दिसंबर से फरवरी 2022 तक आप तेज गति से वाहन नहीं दौड़ा सकते। एक बार फिर ध्यान से सुन लें, 15 दिसंबर से फरवरी 2022 तक कार की स्पीड अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, वहीं वाहनों की स्पीड मात्र 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 165 किलोमीटर के इस यमुना एक्सप्रेसवे को कार सवार 2 घंटे में पूरा करेंगे और यदि इससे पहले वह इस सफर को पूरा करते हैं तो उन पर जुर्माना लग सकता है। इसी तरह भारी वाहन चालकों के लिए भी यमुना एक्सप्रेसवे का सफर पूरा करने के लिए समय सीमा का निर्धारण किया गया है। भारी वाहन वैसे भी स्पीड कम ही रखते हैं लेकिन कार सवार स्पीड ज़्यादा रखते हैं। 100 से अधिक की स्पीड पर लोग फर्राटा वाहन दौड़ाते हैं। नए वर्ष पर तो यह और भी अधिक देखने को मिलता है। यदि आप यमुना एक्सप्रेसवे पर नए साल में या नए साल के बाद या फिर 15 दिसंबर के बाद फरवरी 2022 तक सफ़र करते हैं तो सावधान हो जाइए, आपको अपनी स्पीड कम करनी होगी। दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे पर यदि आप वाहन चलाते हैं या आपके चिर परिचित या मित्र वाहन चलाते हैं तो आप उनको यह जानकारी दे सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी उन्हें शेयर कर सकते हैं ताकि वह सावधान और सचेत हो जाएं और बिना किसी असुविधा के सफ़र का आनंद ले सकें। यमुना एक्सप्रेसवे पर आप देख रहे थे जागो हिंदुस्तान, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, नमस्कार।